एंड कंप्यूटर सीखो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको जो मैं सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपके सदा से ही कमेंट और शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग की वजह से चैनल जो है बहुत ग्रो हो चुका है। तो आप लोगों का जो है मैं सच्चे दिल से जो है थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि जो चैनल है कंप्यूटर सीखो, बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड हैं जो कि अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नो से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है चैनल में सॉल्व करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट जो है फ्रांस से रिलेटेड है। फ्रांस जो कि यूरोप में पड़ता है, वहाँ की जो है आप विजिटिंग वीजा के लिए अपने आप जो है कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ना किसी एजेंट के चक्कर में पड़ना है, ना किसी को आपको जो है कुछ पैसा कर देना है। सिर्फ जो है उनकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने में जो भी आपका जो खर्च आएगा सिर्फ वही आएगा। तो अगर आपको ये देखना है तो आप वीडियो देखते रहिए कि आप कैसे जो है अपने आप ही जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस की वीजा के लिए। वर्ल्ड में आप चाहे कहीं पर भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इसमें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने जो बताई है कि जो है कैसे जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, देखिएगा। सबसे पहले एक आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, देखिएगा ये vfsglobal.com। इसे चाहे तो आप राइट डाउन कर लें और राइट डाउन करके जो है इसको आप अपने पास लिख लें, ठीक है। vfsglobal.com है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पर जो है आप अपने आप ही जो है खुद से ही जो है इसमें सारी जो है किसी भी कंट्री में आप विजिटिंग वीजा के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो विजिटिंग कंट्री यहाँ लिखूंगा, जैसे कि हमें आपको जाना है फ्रांस। तो यहाँ देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉरी ये देखिएगा फ्रांस लिख देता हूँ। और रेजिडेंट कंट्री कौन सी, यानी जो कौन सी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो कहीं से भी यहाँ वहीं से जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। वहीं के जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर होते हैं वहां पर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, मैं गो कर देता हूँ और इस पर जो है पेज पर चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो देख लिया आप। इधर इधर के इनके रूल रेगुलेशन पढ़ लीजिएगा, क्या क्या जो है आप जो है इधर इनके रूल रेगुलेशन आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इधर से देखिएगा, ये देखिएगा होम वीजा फीस, वीजा फीस देख लीजिएगा, वीजा फीस कितनी होती है। एयरपोर्ट ट्रांसफर शॉर्ट स्टे 60 वीजा, ये देखिए इंडियन रुपीज में जो है दिखा रहा है। डिपार्टमेंट डी होल्डर मेरे दिखेगा, वीजा फी इन यूरो दिखा रहा है। और उधर दिखेगा, ये आपको दिखा रहा है लॉन्ग स्टे 99 में और ये 6972 में, ठीक है। स्टूडेंट लॉन्ग स्टे कैंपस फ्रांस 3521, चिल्ड्रन एज ये एक बंदे की है। ये वीजा फीस इन इन यार है। और ये देखिएगा अर्मेनिया, रशिया, इनके लिए देखिएगा कम है थोड़ी, देखिए देख सकते हैं आप। अर्मेनिया में अगर रह रहे हैं, मालदीवा, रशिया, यूक्रेन, फॉर्मर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अर्मेनिया जाना आपके लिए इसलिए भी शायद फायदा है कि यहाँ से आप इजी वे में जो मूव हो सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, इसका जो फॉर्म है यहाँ से आप इसे फिलअप कर लें, शॉर्ट कौन सी जो है वीज़ा पर आप जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी फीस चार्ट बताया आपको, जैसे कि आप जा रहे हैं लॉन्ग स्टे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश, ठीक है। तो आप इसे क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। जब इसे डाउनलोड कर लें तो इसे आप फिलअप कर लें। फिलअप करके या तो इसी पे फिलअप कर लें या जो है आप क्या करें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकाल के अपने जो है पेन से इसको फिलअप कर लें और यहाँ अपना फोटो लगा, फोटोग्राफ लगा कर जो मैंने बताया इनका जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ जा करके इसको आप इसका प्रिंट आउट निकाल के वहाँ जो है अपना साइन कर लिए। नीचे दिखेगा इसे, इसका बेस्ट ये रहेगा कि इसकी प्रिंट आउट निकालें और अपने हाथ से भरें। आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं आपको जो है फिलअप करके जो है आपको सेंड कर दूंगा। अपनी जो है डिटेल बता देना, अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे बता देना। अगर आपको फ्रांस से रिलेटेड अगर इसमें कुछ भी आपको डालना है तो आप जो है बता सकते हैं मुझसे, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। ये अप्लाई फॉर द एमिग्रेशन फ्रांस इन न्यू दिल्ली, अगर न्यू दिल्ली से जो है अप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा ये आपके फॉर नॉन प्रोफेशनल ट्रेवल, इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चाहिए वो भी इसमें जो है शो है। तो पूरी जानकारी है, आप इसमें जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं, अपने आप ही जो है सब कुछ कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको किसी एजेंट की जरूरत है या किसी से आप जो है अप्लाई कराएंगे या किसी को जो है स्किल देंगे, आप अपने आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं जो है फिलअप कर दूंगा और मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। और किसी भी कंट्री का कोई भी आपको विजिटिंग या वर्क परमिट का कुछ भी जो है पूछना होगा मुझसे, एनी टाइम आई कैन हेल्प यू एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड जॉब्स। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं जो हूँ आपको जेन्युइन और लीगल वे ही जो है बताता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी अगर उन्हें फ्रांस रिलेटेड अप्लाई करना है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग
वो कोई परेशानी ना हो, और जो अगर वो फ्रांस से रिलेटेड अगर वीजा को जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल रहेगी, कि ये नहीं कि आपको किसी जो है दो एजेंट के चक्कर में भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, अपने आप ही अप्लाई कर सकते हो और अपने आप ही जो है इनका सारा प्रोसेस होता है। वीजा एप्लीकेशन सेंटर जैसा कि मैंने बताया है, इनके वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है जगह जगह जो है होते हैं, ठीक है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, ये देखिए क्लिक एयरपोर्ट दिल्ली फ्रांस इन मुंबई, ये देखिएगा सारे जो है इनके हैं। आप इनके एड्रेस पे जाकर के कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप इनसे, और यहाँ जाकर के जिस जहाँ भी आप पास में रहते हैं वहाँ से आप इनको कर सकते हैं, या आप कहीं भी हैं वर्ल्ड में तो आप इनको जो है स्पीड पोस्ट भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आपने अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसका सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डालता हूँ वो आप तक इजी में मिल जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफी फायदा होगा और काफी चीजें जो आपको सीखने की मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो और भी आपके सामने रखूंगा, जैसे रखूंगा मिल जाएंगे आपको। आप क्या करें, आप मेरे जो है व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करें, या जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बार और जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की सदा से ही शेयरिंग और व्यूइंग की वजह से चैनल जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रो हो चुका है। तो थैंक्स टू ऑल। तो इंशाल्लाह और भी वीडियो आपके सामने रखूंगा ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।